सर पोको X3 के लॉन्च के बाद और खास करके जब प्राइस आउट हुई तब लोगों का दिमाग लिटरली फट गया कि यार इतनी बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन और इतनी कम प्राइस में कैसे हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर ऊपर आए बटन पे चिपका दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि पोको X3 का बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर सैमसंग M31S या फिर कह सकते हैं कि M31S का स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर पोको X3। जानते हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर स्पेसिफिकेशन तो हम कंपेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो हो सकता है कि पोको X3 डायरेक्टली मतलब विनर घोषित कर दें आप, लेकिन स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको सारा सच नहीं मिलता है। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर दोनों फोन को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सर दोनों ही फोन मतलब एक यूटिलिटी फोन या फिर आप गेमिंग फोन इनको बोल सकते हैं, लेकिन सैमसंग का M31S से काफी ज्यादा थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकालेगा आपको गेमिंग के अंदर पोको X3। और अगर आप प्राइस टू वैल्यू का अगर रेशियो देखते हैं तो पोको X3 के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू सैमसंग। अगर आप स्पेक्शीट को खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि सैमसंग M31S तो बहुत पुराना स्पेक्स के साथ आ रहा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है, 60Hz की रिफ्रेश रेट है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वहीं आप पोको X3 की बात करते हैं तो यहाँ पर 120Hz की चिकनाहट वाले डिस्प्ले, साथ में आपको यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 732G जो कि 15-20% के आसपास बेटर परफॉर्मेंस निकालता है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 730G, यानी गेमिंग तो गेमिंग के अंदर बेटर एज उसका रहेगा। ये सिर्फ एक आधा सच है, मतलब ऑन स्पेक्स आपको फोन तो मतलब हो सकता है बेटर लगे, लेकिन ऑन ग्राउंड हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, असली सच कुछ और ही हो। सबसे पहले हम स्पेक्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद में लास्ट में मेरी माई ब्लाइंड एडवाइस या फिर उसका वर्डिक्ट हम निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो सैमसंग के अंदर 6.5 इंच की सुपर एमोलेड पैनल है, और वहीं अगर आप बात करते हैं पोको X3 की तो वहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की IPS LCD पैनल, 120Hz की रिफ्रेश रेट, सैमसंग के अंदर वही स्टैंडर्ड 60Hz वही देखने को मिलेगी। और पोको X3 के अंदर एक एडिशनल चीज़ ये भी है कि 120Hz के अलावा भी उसके अंदर अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है, जिसके अंदर मतलब आप कोई नॉर्मल स्टैटिक इमेज देख रहे हैं तो वो अपने आपको 50Hz से 60Hz तक डाउन कर लेगा ताकि आपकी बैटरी थोड़ी बच पाएगी, या फिर अगर आप कोई स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं ऐप्स की, तो वहाँ पे वो बढ़ा के 90 या 120Hz तक ले जाएगा, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्मूथ कर देगा दिखने वाला। और वहीं अगर आप बात करते हैं फ्रंट के डिस्प्ले की तो वहां पे आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी दोनों ही फोन के अंदर। सैमसंग के अंदर क्योंकि एक एमोलेड पैनल है तो आपको जो कटआउट है उसके आसपास कोई ग्रे स्पॉट्स या फिर ग्रे एरिया देखने को नहीं मिलेगा, वहीं IPS LCD पैनल जो पोको X3 के अंदर है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वो जाहिर सी बात है वो डिस्प्ले का ही चक्कर है, अगर वहीं अगर एमोलेड पैनल होता तो शायद ये भी आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों दोनों के अंदर 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो। और अगर आप में से बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का, तो सैमसंग के अंदर 3 है और पोको X3 के अंदर 5 है, तो क्लियर कट विनर है यहाँ पे इस चीज़ के अंदर तो पोको। और वहीं बैक के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप, और जो कि थोड़ा सा पोको के अंदर थोड़ा सा नया डिज़ाइन किया गया है, सैमसंग के अंदर वही अपना पुराना रेक्टेंगुलर डिज़ाइन चिपकाया है, वर्टिकल कैमरा सेटअप है, पोको के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। तो सर इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप बात करते हैं प्रोसेसर की, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है जब भी आप कोई अपना स्मार्टफोन लेते हैं, सैमसंग के अंदर वही एक्जिनस 9611 जो M30, M30S, M31 के अंदर देखने को मिला था, मतलब सीरियसली पुराने प्रोसेसर चिपकाए जा रहे हैं। सैमसंग को सलाम इस चीज़ के लिए, पोको ने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी, 730G भी नहीं दिया, 732G जो कि 15% से 20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकाल के देगा एज कम्पेयर टू 730G। जी यानी गेमिंग तो गेमिंग सेंटर के फ़ोन रहेगा, साथ में इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से थोड़ा सा हीट डिसिपेट करने में आपको मौका अच्छा मिलेगा, और मतलब आप आराम से गेम वगैरह खेलेंगे तो हीट वगैरह नहीं होगा। और बाकी अगर आप बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो सैमसंग के अंदर आपको 64MP का शूटर, वहीं पोको X2 के अंदर भी, X3 इनफैक्ट के अंदर भी यही देखने को मिलेगा, दोनों के अंदर सेम सेंसर IMX682 सोनी वाला यूज़ किया गया है। और वहीं अगर आप बात करते हैं वाइड एंगल शूटर की, तो सैमसंग के अंदर 12MP, पोको के अंदर 13MP का आपका अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर यूज़ किया गया है। और वहीं बात करते हैं मैक्रो शूटर्स की, तो मुझे लिटरली सैमसंग में तो थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, 5-5MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स दिए गए हैं पोको X3 के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कैमरा या स्पेस फिलर्स हैं, 2-2MP के डेप्थ सेंसर्स चिपका चुके हैं। इस बात के ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, डिटेल मैंने वीडियो भी बना रखा है कि क्यों फोनों के
अंदर आपको मल्टीपल कैमराज की रिक्वायरमेंट है और क्या आपको एक्चुअल में इतने सारे कैमरा की रिक्वायरमेंट है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन पे आप चेकआउट करना है तो कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और फ्रंट के अंदर आप बात करते हैं तो सैमसंग के अंदर 32 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले वाला कैमरा देखने को मिलेगा, पंच होल कटआउट इनफैक्ट, और पोको के अंदर वही कटआउट वाला और 20 मेगापिक्सल का सेंसर, 3.5mm जैक दोनों में है। और पोको X3 का एक एडवांटेज है कि इसके अंदर IP53 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब थोड़ा बहुत स्प्लैश या फिर बारिश में एक दो शॉट्स आपको एकदम मस्त लेने हैं तो आप ले सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। और सैमसंग का एक और प्लस पॉइंट, माइक्रो SD कार्ड का एक डेडिकेटेड सॉकेट आपको दिया गया है, स्लॉट इनफैक्ट, और वहीं पोको X3 के अंदर हाइब्रिड शॉट रहेगा। UFS 2.1 दोनों में देखने को मिलेगा, Bluetooth 5.0 सैमसंग के अंदर, Bluetooth 5.1 वर्जन आपको पोको X3 के अंदर, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज देता है, कनेक्शन थोड़े स्मूथ करता है आपके। और फाइनली बात करते हैं बैटरी की, सैमसंग के अंदर 6000 mAh की बैटरी और 25W की फास्ट चार्जिंग इस फोन सपोर्ट करेगा। और वहीं अगर आप बात करते हैं पोको की तो 5160 mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें इंफ्रारेड सेंसर भी दिया गया जो सैमसंग के अंदर मिसिंग है। अब फाइनली बात करता हूँ मैं प्राइस की, सैमसंग के फ़ोन की प्राइस थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को लग सकती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की तो 6GB 64GB वाला वर्जन पड़ेगा 16,999, पोको X3 की प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं, 6GB 128 पड़ेगा 18,499 एंड 8GB 128 19,999। और वहीं अगर आप बात करते हैं सैमसंग की तो 6GB वाला वर्जन पड़ेगा 19,499 और 8GB वाला 21,499। तो दोस्तों यार, देखने में आपको सैमसंग की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को लग सकती है, पोको की एक्चुअल में आपको काफ़ी कम लग सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्राइस जो पोको X3 की आर्टिफिशियली इसको डिक्रीज करके दिखाया गया है, रीज़न बींग की सैमसंग के अंदर आपको वन UI देखने को मिलता है जो काफ़ी स्मूथ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ नहीं आते हैं, लेकिन पोको X3 के अंदर पोको लॉन्चर है जो MIUI 12 को थोड़ा सा ठीक ठाक चला देगा, थोड़ा सा स्मूथ कर रखेगा, लेकिन इतने सारे ऐड है, भर भर के ऐड है, सीरियसली मतलब फ़ोन आपको एक बार बेचेंगे कम कीमत पे, लेकिन ज़िंदगी भर आपसे कमाई करेंगे एड्स दिखा के। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तब ऐड आएगा, अनइंस्टॉल करेंगे तब ऐड आएगा, कई बार प्ले स्टोर में जाते वक्त भी ऐड आ जाता है, खासकर कई बार नेट बंद होता है तो भी आप बीच में कॉल लगा रहे हैं अर्जेंट, बीच में आपको ऐड देखना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होती है सीरियसली। यहाँ आप 1000-2000 रुपये बचा के एक ऐसा लॉन्चर या फिर एक ऐसा फ़ोन ले रहे हैं जिसके अंदर आपको एड्स की भरमार है सीरियसली। अब दोस्तों फाइनली मैं बात करता हूँ माई ब्लंट एडवाइस की कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों यार, अगर आप थोड़े से ऐसे बंदे हैं मतलब जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐड देख के, या फिर थोड़ा सा प्राइवेसी का इतना कंसर्न नहीं है कि अपना कुछ क्या कर लेगा, या फिर मतलब आप ऐसे बंदे हैं जो थोड़ा बहुत मतलब आपका ज़िंदगी में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली आप पोको X3 ले सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेटर देखने को मिलेगी। पोको X3 के अंदर दो ही कमियाँ हैं, एक तो उसके अंदर IPS LCD पैनल यूज़ किया गया है, सैमसंग के अंदर AMOLED पैनल है, और दूसरी कमी उसकी पोको X3 की थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का रिगार्डिंग लेके थोड़ा सा कंसर्न है, और तीसरी क्वालिटी उसके एड्स, और चौथी उसकी प्राइवेसी का कंसर्न। ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है पोको X3 के लिए। सैमसंग के अंदर आपको थोड़ी सी चीज़ें ऑब्सोलीट देखने को मिलेगी, जैसे 60Hz की रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन, तो ये चीज़ें हो सकती है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करें। और सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो प्रोसेसर है काफ़ी मतलब दिक्कत वाला है, थोड़ा सा दिक्कत ही देगा। और वहीं अगर आप हार्डकोर गेमिंग नहीं करते हैं और आपको एक यूटिलिटी फ़ोन चाहिए इस रेंज के अंदर, तो डेफिनेटली सैमसंग आप ले सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस बेटर ही रहेगा। और सैमसंग और पोको दोनों के अंदर ही अपडेट्स मतलब रो रो के ही आते हैं, मतलब ये अगर ऑक्सीन ओएस या वन प्लस नॉर्ड होता तो शायद मैं बोलता कि यार अपडेट्स फ्रीक्वेंट आते हैं, लेकिन यहाँ दोनों का ही सीन ऐसा ही है। तो फाइनली अगर आप मोर वैल्यू फॉर मनी की तरफ जा रहे हैं तो पोको X3 ले सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़े से सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कंसर्न हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक ऐसा फ़ोन लें जो हर तरीके से बैलेंस्ड हो, अच्छा डिस्प्ले हो जिसके अंदर, तो आप सैमसंग M31S ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो जिसमें आपको बताया कि सैमसंग M31S और पोको X3 का डिटेल कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करना। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।